केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री के घर 7 RCR पर हुई बैठक में कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन पर मोहर लगाई। कैबिनेट ने दिल्ली विधानसभा भंग करने के बजाय विधानसभा को रखा निलंबित। दिल्ली में चुनाव कब होगा इस पर होगा बाद में फैसला। केजरीवाल पर फरीदाबाद के सांसद अवतार भड़ाना ने दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोक दिया। भड़ाना ने अवमानना का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा भंग नहीं करने के कैबिनेट के फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल, विधानसभा भंग नहीं करना असंवैधानिक। कांग्रेस ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का किया स्वागत, शकील अहमद ने कहा उपराज्यपाल ने सोच समझ कर लिया फैसला। दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग ने की थी प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश, कैबिनेट को भेजी थी दिल्ली के राजनीतिक हालत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कल सौंपा था इस्तीफा। नहीं भंग होगी दिल्ली विधानसभा, उपराज्यपाल ने की विधानसभा को निलंबित रखने की सिफारिश, केजरीवाल ने विधानसभा भंग करने की रखी थी मांग। उपराज्यपाल ने दिल्ली के राजनीतिक हालात की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी, केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा अब उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली में शासन करेगी कांग्रेस। केजरीवाल के इस्तीफे पर बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा दिल्ली वालों को केजरीवाल से मुक्ति मिली, एक डरावना सपना खत्म हुआ, पहली बार ऐसी सरकार देखी। अहमदाबाद में किरण बेदी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा लोकपाल और लोकायुक्त बिल तो संसद में पास हो चुका था फिर केजरीवाल ने क्यों किया ड्रामा। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा निलंबित रखे जाने पर उठाए सवाल, ट्वीट कर कहा विधानसभा निलंबित रखे जाने से हॉर्स ट्रेडिंग को मिलेगा बढ़ावा। केजरीवाल के समर्थन में उतरे रामगोपाल यादव ने केजरीवाल के इस्तीफे का किया समर्थन, कहा आम आदमी पार्टी ने किया अपना वादा पूरा। कानूनविद सोली सोराबजी का बयान, कहा उपराज्यपाल नियमों से बंधे हुए, केजरीवाल ने बिल पेश करने से पहले क्यों नहीं ली थी इजाजत। हमें करनी है लोकसभा के साथ विधानसभा की तैयारी, आप नेता मनीष सिसोदिया का बयान, हर्षवर्धन से पूछा वो क्या कर रहे थे कांग्रेस दफ्तर में। शिवसेना ने केजरीवाल को कहा भगोड़ा, पार्टी नेता संजय राउत का बयान, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को दिया धोखा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस को दी चुनौती, आम आदमी पार्टी ने कहा दोनों मिलकर बनाए दिल्ली की सरकार। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस पर लगाया मिलीभगत का आरोप, बीजेपी कांग्रेस पर हमला करते हुए हम 40 हैं, आम आदमी पार्टी का नया नारा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ अभियान शुरू, 23 फरवरी को हरियाणा और 2 मार्च को यूपी में केजरीवाल की रैली। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गोपाल राय ने किया ऐलान, एक हफ्ते में 24 राज्यों के 332 लोकसभा क्षेत्रों में चलेगा आपका झाड़ू अभियान। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना आम आदमी की प्राथमिकता, करेंगे कांग्रेस बीजेपी का पर्दाफाश। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर बीजेपी का सरकार बनाने से इंकार, कहा हमारे पास नहीं है आंकड़े, नहीं बना पाएंगे दिल्ली में सरकार। दिल्ली बीजेपी करेगी आम आदमी पार्टी को बेनकाब, 18 फरवरी को जंतर मंतर पर होगा बीजेपी का केजरीवाल के खिलाफ धरना, हर्षवर्धन और विजय गोयल ने केजरीवाल की पार्टी पर बोला हल्ला। कांग्रेस भी करेगी आम आदमी पार्टी को एक्सपोज, केजरीवाल को एक्सपोज करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाएगी। दिल्ली कांग्रेस ने कहा उन्होंने नहीं लिया अपना समर्थन वापस, केजरीवाल ने खुद दिया इस्तीफा, दिल्ली कांग्रेस ने कहा हमने अपना धर्म निभाया। बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव की शुरू की तैयारियां, बीजेपी और कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से कहा चुनाव के लिए रहे तैयार। कोची में सोनिया गांधी ने कहा 2014 का लोकसभा चुनाव बेहद अहम, धर्मनिरपेक्षता और एकता की सोच पर मंडरा रहा है खतरा। सोनिया गांधी ने इशारों में बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हम देश को जोड़ते हैं और वो देश को तोड़ते हैं, बीजेपी को नहीं दिखता अपना भ्रष्टाचार। केरल कांग्रेस के सम्मेलन में पहुंची सोनिया गांधी, बीजेपी पर लगाया झूठे वादे करने का आरोप, महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर जताया अफसोस। सोनिया गांधी ने केरल की वामपंथी पार्टियों को बताया हिंसा फैलाने वाली और अप्रासंगिक सोच वाली पार्टी। सोनिया गांधी ने की केरल सरकार की 1 मार्च से 6 महिला थानों की शुरुआत करने पर दी बधाई, महिलाओं की सुरक्षा पर दिया जोर। कर्नाटक के बेलगाम में राहुल गांधी की रैली, राहुल ने कहा कांग्रेस गरीबों के लिए लड़ती है, देश के विकास के पीछे लोगों की कड़ी मशक्कत है वजह, फूट डालो राज करो की नीति पर चलती है बीजेपी।
बेलगाम में राहुल ने कहा, बीजेपी सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों पर साधती है निशाना, उन्हें नहीं दिखता अपने राज्यों के करप्शन का हाल, बीजेपी करती है झूठे वादे। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में खानों की लूट का इल्जाम बीजेपी पर मढ़ा, कहा बीजेपी ने लूट की दी इजाजत, बीजेपी को बताया कॉरपोरेट और एलीट क्लास की पार्टी। बेलगाम के बाद राहुल गांधी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी पहुंचे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हजारों छात्रों से की बात। राहुल के आरोप पर कर्नाटक बीजेपी नेता सदानंद गौड़ा ने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस को करप्शन पर बोलने का नहीं है हक, येदियुरप्पा के पार्टी में आने से बीजेपी होगी मजबूत। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की बड़ी रैली, मुलायम अखिलेश और आजम खान ने बीजेपी पर बोला हमला, मुलायम सिंह ने बीजेपी को फिर बोला सांप्रदायिक पार्टी। आजम खान ने गोरखपुर में मोदी को दी खुली चुनौती, कहा सफाई के अखाड़े में मुलायम सिंह यादव से लड़कर दिखाए मोदी। आजम खान ने मोदी के 56 इंच के सीने वाले बयान पर दिया जवाब, कहा गुजरात में रहते हैं छाती वाले, यूपी में सीने वाले, मोदी करते हैं औरतों जैसी बातें। गोरखपुर में कुछ दिन पहले ही हुई थी मोदी की रैली, मोदी की रैली के बाद मुलायम सिंह ने दिखाई अपनी ताकत, कहा समाजवादी पार्टी की लड़ाई बीजेपी से। गोरखपुर रैली में अखिलेश यादव को कार्यकर्ताओं ने पहनाया सुनहरा मुकुट, मुलायम ने दी अखिलेश को नसीहत। दिल्ली में कांग्रेस के विधायक जयकिशन के घर हुआ हमला, एमएलए के घर पर हुआ पथराव, विधायक की गाड़ी भी टूटी। अज्ञात लोगों ने किया विधायक जयकिशन के घर हमला, आम आदमी पार्टी के समर्थकों पर शक, हमलावर अभी भी फरार। मुंबई के खार जिमखाना इलाके के पास कार की तेज रफ्तार ने एक मोटर बाइक को जोरदार टक्कर मारी, इस टक्कर के बाद भी कार की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी। बेकाबू कार ने इनोवा को भी मारी टक्कर, एक्सीडेंट में हुए 2 घायल, घायलों का इलाज मुंबई बांद्रा भाभा अस्पताल में हो रहा है। राकेश मारिया होंगे मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर, 1981 बैच के आईपीएस हैं मारिया, सत्यपाल सिंह की जगह राकेश मारिया बने कमिश्नर, मारिया एटीएस चीफ थे। नैनीताल में हुई जमकर बारिश और बर्फबारी, बारिश के बाद हुई बर्फबारी ने पूरे नैनीताल को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया। बर्फबारी से नैनीताल घूमने आए पर्यटक भी हुए खुश, स्थानीय दुकानदार और लोगों में खुशी की लहर। श्रीनगर के कई इलाकों में बारिश तो पहलगाम में हुई जबरदस्त बर्फबारी, पारा -5.7 डिग्री तक लुढ़का। शिमला में हुई बर्फबारी के बाद सामान्य जीवन हुआ अस्त व्यस्त, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में दोबारा हो सकती है भारी बर्फबारी। देहरादून में भी बिछी सफेद चादर, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक, पूरे उत्तर भारत में फिर दौड़ गई सर्दी की सेहर। यूपी के इलाहाबाद में उड़ी कानून की धज्जियां, छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक वकील ने की सरेआम फायरिंग। फायरिंग में एनएसयूआई के छात्र नेता अजीत पासी को लगी गोली, घायल छात्र नेता अजीत पासी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। वकील के सरेआम फायरिंग होने पर मची अफरा तफरी, इलाहाबाद के पौश इलाके सिविल लाइन्स की वारदात। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, लोगों ने पत्थरबाजी की और वकील के साथियों को जमकर पीटा। सरेआम गोली चलाने की वारदात सामने आने के बाद पुलिस ने किया मामला दर्ज, आरोपी वकील फरार, पुलिस तफ्तीश में जुटी। दिल्ली के करोल बाग में सामने आई है एक महिला के कत्ल की सनसनीखेज वारदात, कत्ल की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। वैलेंटाइंस डे की शाम 26 साल की सिमरन पर उस वक्त जानलेवा हमला हुआ जब वो करोल बाग मेट्रो स्टेशन से अपने बुआ के घर जा रही थी। सीसीटीवी की तस्वीरों के मुताबिक कातिल ने पहले तो बाइक से इलाके की रेकी की और फिर सिमरन का पीछा कर उसे मौत के घाट उतार दिया। तफ्तीश में जुटी पुलिस सिमरन की हत्या के पीछे गहरी साजिश मान रही है, पुलिस के मुताबिक मामला लूटपाट का नहीं है। सिमरन के मोबाइल फोन और सीसीटीवी की फुटेज की मदद से पुलिस कातिल की तलाश में जुटी, पुलिस का दावा कातिल जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। नोएडा में सामने आई शर्मसार करने वाली वारदात, छेड़खानी का विरोध किया तो पंचायत ने सुना दिया गांव से बेदखल करने का तुगलकी फरमान। महिला के पुलिस में शिकायत करने से नाराज पंचों ने दिया ये शर्मनाक फैसला, महिला के साथ गांव के दबंग करते थे छेड़छाड़, महिला ने खटखटाया था पुलिस का दरवाजा, इस बात से नाराज पंचायत ने महिला के परिवार को दी सजा। पंचायत के इस फैसले के बाद इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है परिवार, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने साधी चुप्पी। अंबाला पुलिस को एक महिला का अंतिम संस्कार रोकना पड़ा महंगा, गुस्साए घर वालों ने की पुलिस की जमकर पिटाई।
रोड एक्सीडेंट में हुई थी महिला की मौत, बिना पोस्टमार्टम किए हुए परिवार वाले कर रहे थे अंतिम संस्कार। पुलिस ने रोका तो गुस्साए घर वालों ने पुलिस वालों को ही घेर लिया। मुंबई में फिल्म यंगिस्तान के प्रमोशन पर पहुंचे स्टार कास्ट, टेलीविजन शो बूगी बूगी के सेट पर किया फिल्म यंगिस्तान का प्रमोशन। फिल्म सिटी मुंबई में हुआ फिल्म शादी के साइड इफेक्ट का प्रमोशन, विद्या बालन, फरहान अख्तर समेत सभी स्टार कास्ट प्रमोशन में मौजूद। बालाजी मोशन्स और प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशन की फिल्म है शादी के साइड इफेक्ट। एक्टर जिमी शेरगिल आ रहे हैं डराने, नई फिल्म डर एट मॉल के को बताया खास। हॉरर फिल्म सीरीज की एक और फिल्म डर एट मॉल 21 फरवरी को होगी रिलीज। मॉडल अभिनेत्री ऋचा चड्ढा बनी मरमेड, ऋचा चड्ढा ने दिखाया अपना मछली प्रेम। ऋचा ने मछली बनकर कराया पीटा के लिए खास शूट, लोगों को मछलियां न खाने की दी सलाह। सलमान खान आईपीएल 7 में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, शाहरुख खान, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी और प्रीति जिंटा के बाद अब सलमान भी आईपीएल टीम में पार्टनर बन सकते हैं।